वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज की जो घटना तुहाडे नाल सांझी करनी है वह है 104 सालां दी माता बारे। देखो बजुर्गी है जिहड़ी, जे तां हुण बच्चे पालण वाले सांभण वाले फिर तां बजुर्गी चंगी है, जे कोई पालण वाला नहीं है तो फिर बजुर्गी माड़ी है। सो फिर तां बहुत औखा हो जांदा है जेकर बजुर्गी विच कोई सांभण वाला ना होवे। सो इसे ही तरह की 104 साल बेबे की तुहाडे नाल आपां घटना सांझी करनी है। तो साध संगत जी, शुरू करन तो पहला बेनती है, धन गुरु रामदास जी चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन नूं दबा लो, जिस नाल साड़ी हर नवी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच जाएगी। वीडियो नूं लाइक करना ना भुलना, वीडियो नूं शेयर जरूर करियो तां जो होर संगतां दा वी भला हो सके। कमेंट करके अपना आशीर्वाद जरूर दिओ। साध संगत जी, ये गल है 104 साल बेबे दी जिहदा नाम है सतवंत कौर। सतवंत कौर जी दस रहे है, कहिंदे कि उन्हां दे पति जदों उन्हां दा विआह होया, विआह तों 2 साल बाद ही चढ़ाई करके, सो एक पुत्र सी जिहदा नाम सी गुलजार सिंह। घर च कमाई का कोई साधन नहीं सी ते ओ बेबे दसदी है वी मैं लोकां दे घरे झाड़ू मार के भांडे मांज के लोकां दे काम करके लोकां दे घरे रोटियां पका के घर दा गुजारा चलाया ते गुलजार सिंह नूं पालिया। माता जी कहिंदे मैं आपदे बच्चे नूं बड़ी मेहनत नाल पढ़ाया पालिया पलोसिया। मेरे बेटे ने कहिंदे वी चंगी पढ़ाई कर ली, बहुत थावां ते नौकरियां लई जोर पाया, किते भी कोई चंगी सरकारी नौकरी नहीं मिली, हर वार असफल रहा। ते नौकरी ना मिलन करके कहिंदी मेरा बेटा डिप्रैशन दे विच चलिया गया, मानसिक तौर ते परेशान रहन लग पिया। जदों कोई राह नज़र नहीं आया ते ओह कहिंदी भी मैं साडे इलाके दे विच एक महापुरश बड़े मशहूर नाम बाणी दे रसीए जड़े कुली च नवास रखते सी उन्हां दे दर्शनां वास्ते निकली। मैं अपने बेटे नूं नाल लिया, कहिंदी असीं पुराने मोटरसाइकल ते ओह बाबा जी दी दर्शनां वास्ते दोनों घरों निकल पए। ते ओह माता जी कहिण लगे बाबा जी साडे तों गरीबी कदों दूर होवेगी। इन्ना कह के माता रो गई, रोंदिया रोंदे ही अपना दुखड़ा सुना रहे, बड़े दुख आए, इहदा डैडी चलिया गया ते हुण घर चों गरीबी दूर हो जाए, बाबा जी कृपा करो। ते वो कहन लगे पढ़ाई लिखाई तो मेरे बच्चे ने बहुत कीती है पर मेरे बच्चे नूं कोई नौकरी नहीं मिल रही, ते मैं चाहुंदी हां वी मैं भी कोई आपदे जीवन दे विच चंगे दिन वेखां, मेरे जीवन दे विच भी कोई चंगा दिन आवे, खुशियां दा दिन आवे। जदों बाबा जी नूं ये गल कही मैं रो रही सी, बाबा जी ने नज़रां चुकियां, पहला मेरे पुत्र गुलजार वल देखिया फिर मेरे वल देखिया, ते बाबा जी ने मेरा दुखड़ा देख के उन्हां तों रह नहीं होया, उन्हां अंदर दया आ गई, उन्हां दा दिल पसीज गया। संतां दे दिल बड़े कोमल हुंदे ऐ, दयावान हुंदे ऐ, ते कहन लगे बीबा रो ना रो ना, दुख ना मना, सतगुरु तेरे ते कृपा करनगे दया करनगे, कोई गल नहीं जल्द ही परमात्मा तुहाडे ते कृपा करनगे, तुहाडी गरीबी दूर हो जाएगी। इन्नी गल कह के बाबा जी ने 50 रुपए अपनी जेब विचों कढे ते गुलजार सिंह नूं दे दित्ते ते वचन कीता गुलजार सिंह किरत कर मेहनत कर, महाराज तेरी कमाई विच आप ही वाधा करनगे। इन्नी गल होई ही सी, उह कहिंदी वी मैं आपदे बेटे तों 50 रुपए खो के बाबा जी नूं वापस कर दिते ते बाबा जी नूं कहा बाबा जी तुसीं इन्ने वड्डे महापुरश, तुहाडे वर्गे महात्मा संत तों असीं माया जां पैसे किवें लै सकदे हां। माता जी दसदे आ वी जदों महापुरशां ने 50 रुपए दिते तां असीं वापस कर दिते। मेरे मन विच गुस्सा सी, मैनूं इह लग्गिया
कि साढ़े घर विच इन्नी गरीबी है ते इन्ना करजा है, ये 50 रुपए का की बनेगा, इहदे नाल तां कुछ भी नहीं होना, की बनना है 50 रुपया नाल। सो मैं वो पैसे बाबा जी नूं वापस कर दिते। वो कहिंदी मैं ना समझ सी, मैनू सोझी नहीं सी, मैनू महापुरशां दी दित्ती हुई माया वापस नहीं सी करनी चाहीदी, मैं बेभागी सां। सो बाबा जी कहिंदे चलो कोई गल नहीं, जे तुसीं 50 रुपए नहीं रखने तां इत्थे रख दिओ, कोई गल नहीं। वो कहिंदी असीं उत्थे रखदे, महापुरशां दे चरणां कोल पैसे रखे ते तुर पए मैं ते मेरा पुत्त। ओ माता कहिण लगी, जदों ओ उन्हां संतां दा गड़वई आया, उन्हें आवाज़ मारी सानू दोनों नूं कि संतां नूं बुलाया। दोने तुरन लगे पर कहिंदे नहीं माता जी, तुहानूं नहीं सिर्फ तुहाडे बच्चे नूं बुलाया, केवल तुहाडे बच्चे नूं बुलाया। साध संगत जी, फिर माता जी दसदे आ कि मेरे बच्चे नूं कल्ले नूं बुलाया उन्हां नहीं, मैनू गुड़वई ने कहता तू इत्थे ही खड़ी रह, मेरा बच्चा गुलजार गया ते बाबिया ने उही 50 रुपए चक के फिर दे दिते ते कहता अपने कोल रखी, मेहनत करी, किरत करी ते अपनी माता नूं ना दसी भी मैं तुहानू 50 रुपए दिते ने। इन्ने गल कही महापुरशां ने ते मेरा बेटा वापस आ गया, असीं अपना पुराना उही स्कूटर चक्या, मोटरसाइकिल चक्या ते तुर पए। ओ कहिंदी जदों मेरा बेटा आया ते मैं उहनूं पुछया वी संतां ने तैनूं की कहा है, कातों सद्या सी, उन्हें अपना वादा तोड़ के मैनू दस ही दिता कि बाबिया ने तो मैनू 50 रुपए दिते। मैं फिर वो तो 50 रुपए ले ते उन्हें कहा तू स्कूटर बाहर कढ़ ते मैं बाबिया नू ये 50 रुपए वापस करके आनी आ, मेरे माड़े भाग, मेरी माड़ी किस्मत, मेरी विपरीत बुद्धि। वो कहन लगी कि मेरी बुद्धि का नाश हो गया, उस वक्त मेरी बुद्धि काम नहीं सी कर रही। कहिंदी संत बाहर निकले सी ते सैर करन चले सी ते मैं जाके पैसे मोड़ते, असी तुहाडे तो पैसे नहीं लै सकदे, तुसी महात्मा संतों असी क्यों भार चकीए, जे तुसी कृपा करनी है साडी वैसे गरीबी दूर कर दिओ, सानू वैसे तरक्की चढ़दी कला बख्श दिओ। सो संतां नूं मैं पैसे वापस दित्ते, संत कहिंदे इत्थे रख दे, उत्थे रख के मैं वापस तुर पई, संत भी तुर पए, उन्हां ने चक्के नहीं, हवा दे नाल 50 रुपए उड गए। मैं वापस आ रही सी ते मेरा बेटा स्कूटर नूं सड़क तों दूजे पासे ले जा रिहा सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਕੁਰਲਾਈ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 50 ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਟਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, 24 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।